नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी में आपका स्वागत है। साथ ही जेट मिशन 2020 में भी आपका स्वागत है। तो हमारी थ्योरेटिकल क्लासें भी चल रही थी एग्रीकल्चर में, तो आज हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन की क्लास लेके आएंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, अगर आपने अभी तक आपके अपने यूट्यूब चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए और आप उन क्लासों का लाभ ले सको। तो चलो पहला क्वेश्चन है, साइलेज के लिए सर्वश्रेष्ठ फसल कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है ज्वार, बाजरा, मक्का, जो। तो साइलेज के लिए सर्वश्रेष्ठ फसल है वो है मक्का, वो है मक्का। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज में नमी प्रतिशत होना चाहिए, साइलेज में नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 30 से 40, 40 से 50, 60 से 65, 70 से 80। तो साइलेज में नमी परसेंट है वो 60 से 65 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइलेज का पीएच होता है, साइलेज जो फसल की बनाई जाती है उसका पीएच कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है 4.5 से 5.5, 5.5 से 6.5, 3.5 से 4.5, 6 से 7.5। तो साइलेज जो फसल बनाई जाती है उसका पीएच है वो 4.5 से 5.5 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे में नमी प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, हे में नमी प्रतिशत कितने से अधिक नहीं होना चाहिए। आपके पास ऑप्शन है 15 से 20 से 25 से 30 से। तो हे में नमी परसेंट है वो 15 से अधिक नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे के लिए कौन सी फसल उपयुक्त रहती है, हे के लिए कौन सी फसल उपयुक्त रहती है। आपके पास ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट वाली, प्रोटीन वाली, वसा वाली या उपयुक्त सभी। तो हे के लिए प्रोटीन वाली फसल उपयुक्त रहती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। और साइलेज के लिए कार्बोहाइड्रेट वाली फसल उपयुक्त रहती है, ध्यान रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूम किसके सूखे चारे को कहा जाता है। लूम है वो किसके सूखे चारे को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है बाजरा, ज्वार, झड़बेरी, खेजड़ी। तो लूम है वो खेजड़ी के सूखे चारे को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा, जो राजस्थान में अधिकांशतः बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति में मुख्य कौन सी फसल थी, हरित क्रांति में मुख्यतः कौन सी फसल थी। आपके पास ऑप्शन है गेहूँ, धान, ज्वार, और ऑप्शन नंबर डी है ए व बी, मतलब गेहूँ और धान दोनों। तो हरित क्रांति में मुख्यतः गेहूँ और धान दोनों थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहिवाल गाय की नस्ल का उद्भव स्थान माना जाता है, साहिवाल गाय की नस्ल का उद्भव स्थान कौन सा माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है करांची, मोंटगोमरी, लुधियाना, जैसलमेर। तो साहिवाल गाय की उद्गम स्थल है वो मोंटगोमरी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की ओंगोल नस्ल का प्राकृतिक आवास स्थान, मतलब उद्गम स्थान है वो माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है अहमदनगर, बाड़मेर, निमाड़ या गुंटूर। गुंटूर है वो आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर रहेगा गुंटूर, जो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की कौन सी नस्ल को थारी नाम से जाना जाता है, गाय की कौन सी नस्ल है जिसको थारी नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है थारपारकर, कांकरी, साहिवाल, कंगवारिया। तो गाय की थारपारकर नस्ल को थारी नाम से जाना जाता है क्योंकि यह राजस्थान में अधिकांशतः इसका पालन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मवेशी प्लेग किसका अन्य नाम है, मवेशी प्लेग एक बीमारी है और इस बीमारी यह एक अन्य नाम है, किस बीमारी का अन्य नाम है। आपके पास ऑप्शन है गैचेचक, अतिसार, खुरपका, मुहपका, एथ्रेक्स।
तो मवेशी प्लेग है वो अतिसार का अन्य नाम है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा, ठीक है। अतिसार का अन्य नाम क्या है, मवेशी प्लेग के नाम से भी इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के दुग्ध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, गाय के दुग्ध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। आपके पास ऑप्शन है एंथोसाइनिन, विटामिन बी, कैरोटीन, एल्ब्यूमिन। तो गाय की दूध का पीला रंग है वो किसके कारण होता है, कैरोटीन के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या रहेगा, राइट रहेगा, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय की दूध की प्रोटीन कहलाती है, गाय की दूध की प्रोटीन है उसको क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है जीन, केसिन, कैरोटीन, एल्ब्यूमिन। तो गाय की दूध की प्रोटीन को क्या कहा जाता है, केसिन कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध शुगर को कहा जाता है, दुग्ध शुगर है उसको क्या कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है लैक्टोज, माल्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज। तो दुग्ध शुगर को क्या कहा जाता है, लैक्टोज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध में किस तत्वों की कमी पाई जाती है, दुग्ध में कौन से पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, लोहा। तो दुग्ध में लोहे की कमी पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए राइट है रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी कौन सी है, मनुष्य में होने वाली मवेशी बीमारी मतलब जो पहले मवेशियों में लगती है उसके बाद मनुष्य में वह बीमारी आ जाती है, वह बीमारी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है रिंडरपेस्ट, एंथ्रेक्स, खुरगलन या खुरपका, मुहपका। तो एंथ्रेक्स बीमारी एक ऐसी है जो पशु से मनुष्य में आ जाती है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, गाय के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। आपके पास ऑप्शन है 34 डिग्री फारेनहाइट, 45 डिग्री फारेनहाइट, 98 डिग्री फारेनहाइट या 101 डिग्री फारेनहाइट। तो गाय के शरीर का सामान्य तापमान है वो 101 डिग्री फारेनहाइट होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है, गाय का गर्भकाल है वो कितने दिन का होता है। आपके पास ऑप्शन है 150 दिन, 281 दिन, 140 दिन, 310 दिन। तो गाय का गर्भकाल है वो 281 दिन का होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं का पेट कितने भागों में बंटा हुआ होता है, जुगाली करने वाले पशुओं का पेट है वो कितने भागों में बंटा हुआ होता है। आपके पास ऑप्शन है 3, 1, 4, 2। तो जुगाली करने वाले पशुओं का पेट है वो 4 भागों में बंटा होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगाली करने वाले पशुओं के पेट का बड़ा हिस्सा कहलाता है, जुगाली करने वाले पशुओं का पेट का बड़ा हिस्सा क्या कहलाता है। आपके पास ऑप्शन है रुमेन, रेटिकुलम, ओबेमेजम या एबोमेजम। तो जुगाली करने वाले पशुओं का पेट का बड़ा हिस्सा है वो रुमेन कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है। आपके पास ऑप्शन है मेथी की पत्तियों में, आलू में, मटर में, मिर्च में। तो कैल्शियम की सर्वाधिक मात्रा है वो मेथी की पत्तियों में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज में बोलेटिंग किसके कारण होती है, प्याज में बोलेटिंग किसके कारण होती है। आपके पास ऑप्शन है नाइट्रोजन की अधिकता से, नाइट्रोजन की कमी से, अधिक तापमान से, कम तापमान से। तो किसके कारण होती है, अधिक तापमान से होती है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज का कुल है, प्याज का कुल कौन सा है, एमरेडिएसी, मालवेसी, सोलेनेसी, ग्रेमिनी। तो प्याज का कुल है वो क्या है, एमरेडिएसी है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है रहेगा, जिसको लिलियसी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सोलेनेसी कुल की सब्जी है, निम्न में से सोलेनेसी कुल की कौन सी सब्जी है। आपके पास ऑप्शन है आलू, टमाटर, बैंगन, उपयुक्त सभी। तो सोलेनेसी कुल की सभी सब्जियां हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा, आलू, टमाटर, बैंगन है वो तीनों क्या है, सोलेनेसी कुल की सब्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अमेलीफेरी कुल की सब्जी कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है गाजर, मिर्च, तरबूज, मटर। गाजर, मिर्च, तरबूज, मटर। तो अमेलीफेरी कुल की सब्जी गाजर है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में ब्लैक हार्ट बीमारी किसकी कमी से होती है, आलू में ब्लैक हार्ट बीमारी किसकी कमी से
होती है। आपके पास ऑप्शन है बोरोन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आलू में ब्लैक हार्ट बीमारी है वो ऑक्सीजन की कमी से होती है और आलू में काले रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलू में मुख्यतः लवणीय मृदा में होने वाली बीमारी कौन सी है? आलू में मुख्यतः लवणीय मृदा में होने वाली बीमारी कौन सी है? आपके पास ऑप्शन है अगेती झुलसा, पचेती झुलसा, स्केब रोग, कंद सड़न रोग। तो आलू में लवणीय मृदा में होने वाली बीमारी है वह है स्केब रोग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के उगने की क्रिया को रोकने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? आलू जब पड़ा रहता है, सुरक्षित रहता है, तब जब भी वो उगने लगता है तो उस नमी पाकर, तो उसको रोकने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है थायो यूरिया, मेलिक हाइड्रेजाइड, 2,4-D, कोई नहीं, तो इसको रोकने के लिए मेलिक हाइड्रेजाइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में अंकुरण बढ़ाने के लिए बीज उपचार करते हैं। आलू में अंकुरण बढ़ाने के लिए किससे बीज उपचारित किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है थायो यूरिया, मेलिक हाइड्रेजाइड, उपयोग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आलू में अंकुरण बढ़ाने के लिए थायो यूरिया का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में होलो हार्ट बीमारी किसके कारण होती है? आलू में होलो हार्ट बीमारी किसके कारण होती है? आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन की कमी, नाइट्रोजन की कमी, बोरोन की कमी, कैल्शियम की कमी। तो आलू में होलो हार्ट बीमारी है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य आम का उत्पादन नहीं माना जाता? कौन से राज्य में आम का उत्पादन नहीं किया जाता? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, बिहार। तो राजस्थान में आम का उत्पादन नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा फल है जिसका उपयोग मांस को मुलायम करने के लिए किया जाता है? मांस को मुलायम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है संतरा, अमरूद, पपीता, अंगूर। तो पपीता का उपयोग है वो मांस को मुलायम करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेडियोल्स का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? ग्लेडियोल्स है उसका प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है बीज द्वारा, कंद द्वारा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ग्लेडियोल्स का प्रवर्धन है वो बीज द्वारा भी किया जाता है और कंद द्वारा भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बेबी रोज कहा जाता है? किसको बेबी रोज कहा जाता है? आपका ऑप्शन है मानव गुलाब, मिनिएचर, लता गुलाब या सुगंधित गुलाब। तो बेबी रोज है वो मिनिएचर को कहा जाता है, बेबी रोज या बेबी गुलाब। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाब के पौधे किस प्रवर्धन विधि से तैयार किए जाते हैं? गुलाब के पौधे किस प्रवर्धन विधि से तैयार किए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है कलम विधि, कलिकायन विधि, गुटी विधि या बीज द्वारा। तो गुलाब का प्रवर्धन है वो कलम विधि द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचार में परिरक्षण के लिए नमक की मात्रा होनी चाहिए। जब अचार में परिरक्षण करते हैं या उसको सुरक्षित करते हैं तो उसमें नमक की मात्रा कितनी होनी चाहिए? आपके पास ऑप्शन है 15%, 10%, 25%, 35%। तो अचार में परिरक्षण के लिए नमक की मात्रा है वो 15% होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थायी परिरक्षण के लिए काम में लिया जाता है। जब कोई भी जैसे अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, उसके स्थायी परिरक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है सिरका, नमक, तेल, चीनी। तो स्थायी परिरक्षण के लिए सिरका का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दु प्रतिरोधी रसायन कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है कार्बन, जल, सोडियम बेंजोइट, कार्बनिक अम्ल। तो मर्दु प्रतिरोधी रसायन है वो है सोडियम बेंजोइट। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास का कुल कौन सा होता है? आपके पास ऑप्शन है ग्रेमिनी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। ग्रेमिनी, मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी। तो कपास का कुल कौन सा होता है? मालवेसी होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई? अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? 1908, 1910, 1912, 1920। तो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना कब हुई थी? 1908 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट रहेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।